अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ स्मैश बर्गर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड बीफ चाहिए। ये मैं 3 पाउंड ले रही हूँ। इसमें आपने 100% लीन नहीं यूज़ करना, 20% एटलीस्ट फैट होनी चाहिए। इसके अलावा स्पाइसेस में जो चीज़ें चाहिए वो है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये मैं करी 1 टीस्पून, सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर्स, कुटी काली मिर्चें फ्रेश 1 टीस्पून। और सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मेयोनीज चाहिए आपको 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड 1 टीस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने हॉट सॉस ली है और 2 क्लॉव गार्लिक के लिए, मैंने 2 गार्लिक के पीस लिए। इसके अलावा बटर आपको चाहिएगा 1 स्टिक लिए, तकरीबन 4 टेबलस्पून है ये। और अमेरिकन चीज़ आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आपको बन चाहिए होंगे कुछ, मैंने रेड ऑनियन लिए है, पिकल्स लिए हैं, टोमेटो और लेटस लिए है। तो चले स्टार्ट कर लीजिए। जो स्पाइसेस हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर्स और ऑनियन, ये आप मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा जो है मेयोनीज, केचप, मस्टर्ड, हॉट सॉस, सारे लेक के ये चीज़ें सब आपने मिक्स कर लेनी है। इसके अलावा मैंने एक पैन भी आपको चाहिए होगा, वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। सबसे पहले आप अंदाजे से कीमा जो है ये आपने ले के बॉल से बना लेने हैं और इसमें एक छोटा पीस आप बटर का रखते जाएं। लूज बॉल बनाने, बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना इसको। आप इस तरह से कीमा लेके उसके बॉल बना लीजिए, इसमें छोटा एक पीस छोटे छोटे से बटर के भी डाल दें। बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना, बस हल्के हाथों से आपने बनाना है इसको। इसी तरह से आप सारे बॉल बना लीजिए। अब पैन में सबसे पहले आप बटर लगा दें। इसके ऊपर आपने ये बॉल रख देना है। अब कोई सा भी पेपर लेके, वैक्स पेपर या किसी किस्म का भी पेपर लेके आपने ऊपर से इनको प्रेस कर देना है और एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड तक आपने इसी तरीके से रखना है। इसी तरह से आप बाकी को भी कर लें। आप ये चमचे से भी कर सकते हैं इसको। आप ये जो गार्लिक पेपर और सॉल्ट आपने लिया था ये आप इस पे डाल दीजिए। एकदम से आपने इसको नहीं पलटना है। जब इसके किनारे ब्राउन होना शुरू हो तो बबल्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपने पलटना है इसको। दूसरी साइड पे भी मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। साथ इसमें चीज डाल दीजिए।
साथ ही आपने बन भी गरम कर लेने। जब भी हल्के हल्के हो जाए उसके बाद आप इसे उतार लें। अभी इनको असेंबल कर लीजिए। सबसे पहले जी ये सॉस बनाई थी, लेटर, ऑनियन, टमाटो और पिकल लगा के, दूसरा पीस आपने इसके ऊपर रख देना है। तो बर्गर हमारे रेडी हो गए हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। आप इनको सर्व कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज के साथ। और ये जो सॉस मैंने बनाई थी ये और स्पाइसेस, मिक्स स्पाइसेस जो थे इनके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।